हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। इसमें मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत पे प्रकट होता है और जो परिस्थिति में जीता है, वही रूप प्रतिष्ठित हुआ है। लघु मानव और उसके संघर्ष को इन कविताओं में बार बार उकेरा गया है। लघु मानव किसे कहते हैं दोस्तों, इस पर हम अध्याय के बीच में चर्चा करेंगे। कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो विभिन्न धाराएं ना होकर एक काव्य धारा के दो पड़ाव हैं। इसमें हम पहला पड़ाव कहेंगे प्रयोगवाद को, जो कि एक तरह से बाल्यावस्था है, और दूसरा पड़ाव नई कविता है, यानी कि विकसित अवस्था, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं का नाम है जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती कविता यानी कि छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से भिन्न है। और जो नई कविता है, इनके कवि प्रायः वही हैं जो प्रयोगवादी कविता के कवि थे। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं नई कविता की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। इसकी पहली प्रवृत्ति है बौद्धिकता तथा वैज्ञानिक दृष्टि, यानी कि जो ये नई कविताएं हैं, ये बौद्धिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी सटीक होती हैं। नई कविता में कवि प्रत्येक वस्तु एवं स्थिति की बुद्धि संगत व्याख्या में विश्वास रखता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए लिखा है कि नई कविता बौद्धिकता की छाया में विकसित हो रही है, इसलिए इसमें एक अंतर्निहित आलोचनात्मक यथार्थ चित्रण का आग्रह, सूक्ष्म व्यंग, शैलीगत वैचित्र्य में नए नए अर्थों को ध्वनित करने वाले अभिनव प्रतीक विधान आदि, ये सारी विशेषताएं इन नई कविताओं में हमें देखने को मिलती हैं। अगली इसकी प्रवृत्ति है लघु मानव की प्रतिष्ठा। दोस्तों, नई कविता की प्रमुख विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा है। अब हम जानते हैं लघु मानव से अभिप्राय क्या है। यह लघु मानव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी पाप, घृणा अथवा असुंदरता की प्रतिमूर्ति है, ना ही ये ऐसा कोई मानव है, व्यक्ति है जो किसी दर्शन, संप्रदाय, राजनीतिक दल या वर्ग विशेष के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि दोस्तों लघु मानव से अभिप्राय उस आम आदमी से है जो न किसी महामानव से आतंकित होकर अपना अस्तित्व विलीन कर बैठता है और न किसी समूह में खोना चाहता है, बल्कि लघु मानव, नई कविताओं के अनुसार लघु मानव वह सामान्य व्यक्ति है जो जीवन के सारे दुख दर्द सहते हुए उधार का जीवन जीने के स्थान पर अपना जीवन जीता है और फिर भी उपेक्षित है। लघु मानव किसी के आश्रित होकर नहीं जीता। इन कविताओं में इसी तरह के लोगों की अभिव्यक्तियों को कवियों ने उकेरा है। इस प्रकार दोस्तों, नई कविता का कवि उपेक्षित व्यक्ति के जीवन संदर्भों एवं संवेदनाओं को ग्रहण करके समाज और मानव की परिधि को व्यापक बनाता हुआ नजर आता है। अशोक वाजपेयी के काव्यांश में ऐसे ही लघु मानव को प्रतिष्ठित किया गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, एक छोटी सी कविता, हम नए छोटे लोग, हम चाहे अनदेखे बीत जाएं, कोई तो देखेगा, हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, हम चाहे अनजाने झड़ जाएं, कोई तो जानेगा, हमारे पाँव से यात्राएं बंधी थी, हम चाहे अनचिन्हे मिट जाए, कोई तो चिन्हेगा, हमारे होठों पर कविता थी। ये लघु मानव का रूप है जो कि नई कविताओं में कवियों ने दिखाया है। तीसरा है विद्रोह के स्वर। नई कविता का समय व्यक्ति और समाज के संघर्ष का युग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यक्ति जिन सपनों को पूरा होता हुआ अपना देख अपने जिन स्वप्नों को सपनों को पूरा होना देखना पूरा होते हुए देखना चाहता था, वे उसे जर्जरित होते हुए दिखाई देते, यानी कि उसके सपने खंडित हो रहे हैं। यह देखकर वह व्यथित हो गया और उसके जीवन में फिर निराशा भर गई। जब उसके सपने वो पूरे नहीं कर पाया तो वह निराश हो गया। समाज के विद्रोह भाव को कवि ने कविता द्वारा साकार किया। जैसे
सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन, सदियों से कुचला गया मेरा घायल फन, अब फुफकार कर तन गया है। पुरानी परंपरा नए कवि को बीती हुई लगती है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसे कितनी असुविधा होगी, उसकी व्यथा विद्रोह भरी प्रकट होती है। उसका मैं बता रही हूँ उदाहरण, आपको सुनाती हूँ। फेंकना चाहता हूँ ये पुराने पंख, मतलब अपनी पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी बातों को फेंकना चाहता हूँ। नए पंख आए ना आए मुझे नंगा ही रहने दो, यानी कि बदलाव आए ना आए मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। अगली प्रवृत्ति है आशा और विश्वास की। नए कवियों में केवल विद्रोह का ही स्वर नहीं है, बल्कि उनमें, यानी कि नए कवि सिर्फ विद्रोह करना ही नहीं जानते हैं, बल्कि वो तो मानवता के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। उनके स्वर में आशा और निराश विश्वास का भाव है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, विजय देव, नारायण शाही, केदारनाथ सिंह, हरि नारायण व्यास, कीर्ति चौधरी आदि में आशा और विश्वास के स्वर प्रबल रूप से प्रकट हुए हैं, जैसा कि बता रही हूँ। एक नन्ना बीज में अज्ञात नवयुग का, एक नन्ना बीज बीज में अज्ञात नवयुग का, आहा कितना अच्छा सभी कुछ, ना जाने क्या क्या, समूचा विश्व होना चाहता हूँ। भोर से पहरे पहले तुम्हारे द्वार पर, तुम मुझे देखो ना देखो कल उगूंगा मैं। यानी कि मनुष्य, इसमें कवि बताता है कि मनुष्य अपने आप को अपनी पुरानी परिस्थितियों से निकालकर आगे बढ़ते हुए, उसके मन में आशा है, विश्वास है, और वो सोचता है कि मैं इसी उस पर आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। अकेला और अजनबीपन। समाज और संसार की दुख भरी बागदौड़ से व्यक्ति का मन इतना भर गया है कि वह अब अकेला रहना चाहता है। नई कविता के दौर का मानव है ये दोस्तों। कई बार वह परिस्थिति और परिवेश से समझौता करना चाहता है किंतु नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह क्या होता है, मनुष्य अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। और कवि जब इस अकेलेपन में जीता है, उसे भोगता है, यानी कि जब अकेलापन कवि के मन में घर गया है और वह उसे जीते हुए तो वह जीता है, तो वह कह उठता है, सच मानो मैं अकेला हूँ, इतना अकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दूसरे से। ये अकेलेपन की व्यथा है दोस्तों। अगला है क्षण की सर्वोपरि महत्ता। नई कविता में क्षण यानी कि पल, उसको सर्वोपरि स्वीकार किया है, यानी कि जो ये पल है, क्षण बोध है, वही शाश्वत बोध का विरोधी नहीं है। वस्तुतः वास्तव में तो यही शाश्वत को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो भी है यही पल है। हम क्षणों में जीते हैं और क्षणों में ही शाश्वत को पाते हैं। अतः महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अवसरों की प्रतीक्षा करते हुए क्षणों में निबद्ध उल्लास एवं स्फूर्ति को खो देना बुद्धिमता नहीं है। यानी कि मनुष्य को हमेशा अपने आज और अभी इसी पल में जीना चाहिए, यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि जल्दी ही हमारे लिए और अच्छे दिन आएंगे। जो हम जी रहे हैं वही सब अच्छा है। कनुप्रिया की राधा के शब्दों में दोस्तों, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे वे अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। दोस्तों नई कविता की अगली प्रवृत्ति है भाषा। नई कविता की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक और स्वाभाविक है। इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का निसंकोच कवियों ने प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा में उर्दू की सी लोच है। अर्थ और शब्दों की लय पर आधारित अनेक स्वच्छंद छंदों की रचना आपको इस उदाहरण में दिखाई पड़ेगी, जैसे पति सेवा रत सांझ, उचकता देख पराया चांद, ललाकर ओट हो गई। अगली प्रवृत्ति है विवेक और विचार की कविता। नई कविता में केवल भाव बोध की अंधी श्रद्धा नहीं है, बल्कि उसमें तर्क, बुद्धि, विवेक और विचार भी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में उसकी प्रकृति है प्रत्येक सत्य को विवेक से देखना, यानी कि नई कविता हर सत्य को विवेक से देखती है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचती है और बाह्य स्थितियों के प्रति सतर्क और सचेत होकर कवि मानसिक विश्लेषण की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं खुद को कुदेर रहा था,
अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। अगली प्रवृत्ति है दोस्तों व्यंग के तेवर। नई कविता में व्यंग के तेवर को अधिक पैना और धारदार बनाया है, यानी कि नई कविता में व्यंग का काफ़ी अच्छे तरीके से कवियों ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने समस्याओं को समझकर उस पर व्याख्यान करने की अपेक्षा उसे कसे वे सीधे शब्दों में प्रकट किया है। किसी भी क्षेत्र में चाहे शोषण हो रहा हो, फिर वह चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक हो, व्यक्ति का हो रहा हो या समाज का, आदर्श हो या यथार्थ, सब पर नई कविता की व्यंग की पैनी धार चली है। जैसे बड़े बड़े आदर्शों को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो, उन्हें अपनी आस्था, श्रद्धा एवं निष्ठा का अर्घ्य दो। दोस्तों कितनी प्यारी हैं ये लाइनें। अगली प्रवृत्ति है नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी के प्रति छायावादी कवियों की दृष्टि सम्मानपूर्वक, स्नेह वात्सल्यपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण थी। प्रसाद, निराला और पंत ने नारी को अत्यधिक आदर और गौरव के साथ स्मरण किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास हो, आदि पंक्तियों में प्रसाद ने नारी को जो उच्च स्थान दिया वो इस युग के कवियों ने नहीं दिया, यानी कि नई कविता के कवियों ने नारी को उच्च स्थान नहीं दिया। नर नारी के बीच सृष्टि के आरंभ में चले आ रहे संबंधों पर रघुवीर सहाय एक टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, नारी बिचारी है, पुरुष की मारी है, तन से शुद्धित है, मन में मुदित है, लपक झपक कर अंत में चित है। तो दोस्तों ये हमने जानी नई कविता की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। साथ ही साथ आपने देखा कि इसमें हमने नई कविता की कुछ लाइनें जो बोली हैं वो कितनी सुंदर हैं और कितनी सटीक हैं, जो कवियों ने अपने कवि काव्य संग्रह में जिन्हें उकेरा है। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।